हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिर्ची की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। जिन्हें थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसे हम अचार नहीं कह सकते हैं और सब्जी भी नहीं कह सकते, अचार है तो चलो दोनों ही मान लेते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ मैंने मिर्ची ले लिया है, ये एक पाव मिर्च है। आप जितने क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतनी मिर्ची ले लें। और इसको मैंने अच्छे से धुल के और इसके पानी को सुखा दिया है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इस तरह से इसके सारे डंठल जो है निकाल देंगे और मिर्ची का हम दो पार्ट कर देंगे। और आप इसका इतना छोटा छोटा भी कर सकते हैं इस तरह। तो मिर्ची सारी कट के रेडी हो गई है और मिर्ची बहुत बड़ा था तो इसीलिए मैंने एक मिर्ची में तीन तीन पार्ट कर दिए हैं। दो पार्ट में बहुत बड़ा हो रहा था तो ये मिर्ची छोटा छोटा रहे तभी अच्छा लगता है, ताकि एक एक पीस एक बार में उठा के हम खा रहे हैं। मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डाल देंगे सरसों का ऑयल। और सरसों ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा मतलब 3 से 4 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम उसमें डाल देंगे राई और जीरा। और अब इसमें मैं मिर्ची डाल दूंगी, जो मैंने मिर्ची काट रखी है ये वाली मिर्ची डाल दूंगी। और मिर्ची को अच्छे से भून लेंगे, तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सारी मिर्चियों में डॉट डॉट से हल्के हल्के हो जाएं, फिर हम फ्लेम को धीरे कर देंगे, एकदम स्लो से कर लेंगे फ्लेम को। देखो इस तरह का सारी मिर्चियों में हो जाए फिर हम इसको एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे। गाइस इसको थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अगर मिर्ची बहुत तीखी है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग, और इनको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह। और इसमें हम 3 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे और बेसन को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरह। पहला चम्मच डाल दिया और इसको हम भून लेंगे इसमें। दूसरा चम्मच, तीसरा चम्मच, मीडियम टू हाई पे करके मिर्ची और बेसन को हम खूब अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को हम एकदम बंद कर देंगे, ये एकदम हो गया है रेडी। इसमें अमचूर पाउडर की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाऊंगी। गाइस मैंने इसकी सर्विंग कर दी है और ये मिर्ची की सब्जी ना मुझे तो बहुत अच्छी लगती है भाई खाने में। आपको कैसी लगी? आप इसे बना के खा के और इसका रिव्यू कमेंट्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो गाइस वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।